फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन। एक कप मैदे में हम डालेंगे चुटकी नमक, इसमें डालेंगे नटमेग मतलब जायफल का पाउडर, नटमेग पाउडर डालेंगे 1/8 टीस्पून या 2 चुटकी, अदरक का पाउडर मतलब जिंजर पाउडर डालेंगे 2 चुटकी या 1/8 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर 2 चुटकी या 1/8 टीस्पून। इन सबको मिला लेंगे आटे में, नमक नटमेग जिंजर सिनेमन। अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके 1/3 कप ऑयल हम इसमें डालेंगे, तो धीरे धीरे डालें। ये मैंने आधा कप लिया है पर मैं इसमें से 1/3 कप इस्तेमाल करूँगी। इसमें डालें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और कंडेंस मिल्क भी हम इसमें डालें 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून ड्राई रेड बेरीज, 2 टेबलस्पून ड्राई रेजिन, ये मैंने ड्राई लिए। इसमें डालें 1/3 कप ऑरेंज जूस, वो भी हम धीरे धीरे डालेंगे। तेल को पहले मैदे से मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि ग्लूटेन इसमें नहीं बनता है और ये रबर की तरह केक नहीं बनता है, अच्छा केक बनता है सॉफ्ट। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क धीरे धीरे करके, तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे, धीरे धीरे मिक्स करते जाएं और इसमें ऐड करते जाएंगे हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसमें हम डालेंगे ऑरेंज जूस 1/3 कप धीरे धीरे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ट्रैकल, ट्रैकल मतलब ब्लैक कैरेमल सिरप, ये मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप ट्रैकल सर्च करेंगे बाय डॉक्टर आरती किचन तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने रेसिपी में इस्तेमाल किया था 1/3 कप ऑयल, 1/3 कप ऑरेंज जूस और 1/2 कप कंडेंस मिल्क। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और मैंने बेकिंग ट्रे में फॉयल पेपर को ऑयल लगा के ग्रीस करके रेडी रखा है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अगर फॉयल पेपर नहीं है तो बटर पेपर डाल दीजिएगा और इसे ये रेडी है बैटर, सेमी थिक बैटर होना चाहिए कंसिस्टेंसी। तो ये देखें फॉयल पेपर में मैंने तेल लगा लिया है, अब हम इसमें ये बैटर पूरा डाल देंगे, सेमी थिक है ये देखें, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की है, थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, ऐसा ही केक का बैटर होता है। और इसे हम फ्लैटन आउट करेंगे स्पैटुला से और 180 सेल्सियस पे इसे फैला लें, बराबर फैला लें। अब हम इसे 180 सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे ऑन फैन एंड हीटिंग मोड। तो ये शरीर सेंटर में डाल के देखें साफ निकल रही है। अब यह केक को कट करते हैं, बहुत यमी केक बना था, ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट, प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।